हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार, लास्ट टाइम हम बर्नौलीज थ्योरम कर रहे थे और उसको हमने जो भी है प्रूफ के साथ कवर अप कर लिया, ठीक है। आज का बेटा लेक्चर एक तरह का फिलर रहेगा, जो छोटे मोटे गैप्स हैं बेटा उनको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अगर टाइम बचा तो आपकी जो असाइनमेंट है ना फ्लूइड्स इन मोशन वाली, उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 2, 4, 5, 7 जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो सॉल्व आपको करवा देंगे, टाइम बचा तो। ओके, हम कर रहे थे बर्नौलीज थ्योरम। वैसे अपना मेन टारगेट आज क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। वो कुछ रफली होंगी, एक दो मैथमेटिकल वाली हैं, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगी वो। तो बर्नौलीज थ्योरम बेटा क्या थी कि हमने बोला कि अगर फ्लूइड आइडियल है, बर्नौलीज थ्योरम की थी ना हमने लास्ट टाइम, आज टॉपिक नया नहीं है, वही चीजें रिपीट होंगी, ठीक है, लेकिन यह भी जरूरी होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम कहता है अगर फ्लूइड कैसा हो, आइडियल हो, स्टेडली फ्लो कर रहा हो, तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जिसमें से बेटा पी क्या है, इट्स प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो जी एच क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम का सम क्या रहता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। पी चेंज हो सकता है, ये पी वन से पी टू हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, ये वी वन से वी टू हो सकती है बेटा जी, हाइट में भी चेंज हो सकता है, ये एच वन से एच टू हो सकता है, सब हो सकता है, मगर इन तीनों का सम चेंज नहीं हो सकता। यह है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पहले और यह है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाद में, तो ये चेंज नहीं होते। बर्नौलीज थ्योरम है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी जो टॉपिक आया वो भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इकट्ठे अब इसके स्टार्ट होंगे एक ही बार में, सारे जितने भी टॉपिक्स हुए फ्लूइड्स इन मोशन के, फिलहाल चल रही है बर्नौलीज थ्योरम। अब बेटा करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की बात, कि बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस। अब मैंने बोला था कि आपके स्कूल वाले एग्जाम में, यानी अगर मैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात करूं, तो एक बर्नौलीज थ्योरम की क्या आ सकती है, स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेट बर्नौलीज थ्योरम या स्टेट बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रूव इट। प्रूफ आ जाएगा लंबा चौड़ा सा जो हमने कराया, या फिर आ जाएगी स्टेट बर्नौलीज थ्योरम गिव इट्स प्रूफ एंड गिव इट्स टू लिमिटेशंस। अच्छा, हमने लिमिटेशंस भी डिस्कस की, या फिर साथ में क्या आ जाती है, एप्लीकेशन। सारा कुछ इकट्ठे आ जाए, वह 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो 5 नंबर का डाल देते होते हैं, स्टेटमेंट प्रूफ 2 लिमिटेशन 2 एप्लीकेशन, या वैसे ही आ जाता है स्टेट लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। प्रूफ नहीं मांगेगा, स्टेटमेंट पूछ लेगा, लिमिटेशंस और एप्लीकेशन। स्टेटमेंट देखो हमने 2-3 बार दे दी, प्रूफ हमने करवा दिया, लिमिटेशंस भी बता दी थी लास्ट टाइम कि जी एक तो ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स के लिए ही वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है, हमने बिल्कुल सब आइडियल कंडीशन के आधार पर ही लेकर चले हैं सब कुछ। ओके, एप्लीकेशंस की बात रह गई थी, एप्लीकेशन अभी करवा देते हैं। तो इसकी बेटा कुछ एप्लीकेशन तो वैसे रफ टाइप है, करवा देते हैं। मेन एक आता है कि जी जिसको हम कहते हैं एयरलिफ्ट या वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। कहते हैं जब एरोप्लेन चलता है ना, उसकी शेप कुछ
इस टाइप से बनाई होती है कि जब वो चलता है तो उसको ऊपर एयर के कारण लिफ्ट प्रोवाइड होती है। क्या प्रोवाइड होती है जी? लिफ्ट। जब टेक ऑफ करना होता है ना बड़ी तेजी से जाएगा तो, और जब उसकी स्पीड एकदम ज्यादा हो जाएगी तो उसको टेक ऑफ होने के लिए एयर के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, लिफ्ट मिलती है ऊपर की ओर, एयर लिफ्ट बोलते हैं जिसको। अब कहते हैं यह भी किस पे बेस्ड है? बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है। अब पॉइंट इसमें यह है कि ये सामने मान ले एयर है, एयर का फ्लो हो रहा है, ये एयर की क्या है, स्ट्रीम लाइन्स हैं। क्या है ये? एयर की स्ट्रीम लाइन्स हैं। अब इन स्ट्रीम्स लाइन्स के बारे में, एयर की स्ट्रीम लाइन, भाई जैसे लिक्विड किसी की, किसी भी फ्लूइड की स्ट्रीम लाइन्स हो सकती है ना, बताया था हमने, ऐसे एयर, एयर एयर में भी तो कुछ ना कुछ है ये ना कण, फिर वो भी तो एक तरह का क्या है, फ्लूइड है ना। बार बार मैंने बोला हुआ है गैसेस भी फ्लूइड्स की कैटेगरी में आती है आपकी। तो वो जो एयर जो फ्लो हो रही है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स ये वो है मान ली। अब पॉइंट ये है जहां पर इन लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कम है मतलब वहां पर स्पीड ज्यादा है, और जहां पर इन लेयर्स के बीच का यानी इन स्ट्रीम लाइन्स के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रीम लाइन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है वहां स्पीड कम है, और जहां डिस्टेंस कम है वहां स्पीड क्या मानी जाती है, ज्यादा मानी जाती है। मतलब अगर बड़ी तेजी से हवा फ्लो हो रही है मतलब स्ट्रीम लाइन्स बड़ी क्लोज हैं, अगर कम फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रीम लाइन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। सीधी सी बात, क्लोजर द स्ट्रीम लाइन्स मोर विल बी द स्पीड, फार्दर द स्पीड लाइन्स लेसर विल बी द स्पीड। ओके, अब एयरलिफ्ट वाली मैं बात कर रहा हूं, जो प्लेन है ना प्लेन, उसकी शेप कुछ ऐसे बनी होती है कि जब वो मूव करता है ना मूव, और उसने जब इन एयर लाइंस को, स्ट्रीम लाइंस को काटते हुए आगे बढ़ना है तो उसके ऊपर नीचे स्ट्रीम लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है। ये प्लेन है, प्लेन का जो टॉप है ना उसकी शेप कुछ ऐसे बनी हुई होगी, नीचे वाला हिस्सा लगभग प्लेन होता है, प्लेन का नीचे वाला हिस्सा लगभग प्लेन है, आगे से इसकी शेप कुछ ऐसी बनी होगी। भाई बढ़िया नहीं बन रहा, अब बना लेना अपने आप, बस ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं। आगे से इसकी शेप थोड़ी सी ऐसे होती है, ठीक है, फ्रंट साइड से। अब उसका फायदा क्या है कि जब ये इसको क्रॉस करेगा ना स्ट्रीम लाइन्स को, एयर तो इसके चारों तरफ ही है, जब ये स्ट्रीम लाइन्स इसको क्रॉस करती है, जैसे ये मान ले प्लेन जा रहा है तो स्ट्रीम लाइन्स को क्रॉस करते हुए निकलेगा, जब ये स्ट्रीम लाइन्स को बेटा क्रॉस करते हुए निकलेगा तो इसके नीचे वाली जो स्ट्रीम लाइन है वो तो सीधा निकल गई, इसके नीचे वाली भी सीधे निकल गई, ये भी चल लगभग सीधे निकल गई, लेकिन ये जो स्ट्रीम लाइन है इसको अब कुछ ऐसे निकलना पड़ेगा, ये वाली को भी कुछ ऐसे निकलना पड़ेगा, ये भी ऐसे हो जाएगी, ठीक है जी, ये भी ऐसे हो जाएगी। अब होगा क्या कि इसके ऊपर वाली साइड पे इस जगह पर स्ट्रीम लाइन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है इनके बीच में स्ट्रीम लाइन्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और नीचे स्ट्रीम लाइन्स के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। उम्मीद है कुछ स्टोरी क्लियर
हुई होगी, तो जब इसको क्रॉस कर रही हैं ये स्ट्रीम लाइन्स कुछ प्लेन की शेप के कारण ऊपर वाले हिस्से में क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, क्लोज। अब उससे क्या हुआ, ध्यान से सुनना, टॉप पे स्ट्रीम लाइन्स क्लोज हो गई। देख ये जो हवा आ रही थी पहले, इनके बीच में ऊपर नीचे हर जगह डिस्टेंस सेम है, जब प्लेन इसको क्रॉस करते हुए गुजरेगा तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर स्ट्रीम लाइन्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रीम लाइन्स आ रही हैं, इसका अपना इस वक्त यहां पर क्या है, कुछ प्रेशर है। पी क्या हुआ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ ना कुछ यहां पर क्या है, इसकी स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी है और कुछ हाइट भी है, तो इसके पास तीनों चीजें हैं, तीनों एनर्जी हैं। जब ये यहां पर पहुंची इस जगह पर, डिस्टेंस क्या हो गया, क्लोज हो गया। मैंने बोला जब स्ट्रीमलाइन के बीच का डिस्टेंस क्लोज होता है तो स्पीड बढ़ जाती है। तो इस जगह के कंपैरिजन में, इस जगह पर जब इसको प्लेन क्रॉस करके निकलेगा तो इसके ऊपर वाले पोर्शन में स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगी। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये उतनी की उतनी ही रहेगी। अब ये बढ़ गई है, इसमें चेंज नहीं होता, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। यानी यहां पर स्पीड बढ़ने के कारण, शेप के कारण ये इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होने के कारण स्पीड बढ़ गई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि पी के इक्वल होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे स्पीड भी वही है क्योंकि डिस्टेंस वही है, हाइट भी वही थी, तो पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर भी क्या है, सेम है। तो कुछ देर पहले ऊपर नीचे प्रेशर सेम था, अब क्या हुआ, नीचे तो प्रेशर उतना का उतना ही, ऊपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। भाई जैसे ही ऊपर प्रेशर डाउन होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो इसको ऊपर की ओर क्या मिल जाएगी, लिफ्ट मिल जाएगी। नीचे प्रेशर कम होने के कारण, सॉरी ज्यादा होने के कारण, क्योंकि ऊपर कम हो गया ना, कंपैरिजन में नीचे ज्यादा है, ये ऊपर की ओर उठता है और फिर टेक ऑफ होने में इसको हेल्प मिलती है। बाकी सिर्फ इसके भरोसे नहीं बैठे होते भाई, इंजन विंजन भी होते हैं उसमें, सब कुछ होता है, सिर्फ इसी चीज से हेल्प मिलती है। तो ये क्या चीज है, एयरलिफ्ट, एरोप्लेन की लिफ्टिंग में इसको बर्नौली थ्योरम का सहारा मिलता है। इस शेप की किसी भी चीज को एरोफॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोफॉइल। अगर भाई कभी किसी ने वो पुराना एक सीरियल आता होता था कार्टून, जंगल बुक, ठीक है, एक नई फिल्म भी आई है जंगल बुक, लेकिन बहुत पहले पहले एक जंगल बुक कार्टून आता होता था, उसमें एक होता था मोगली। अब मोगली के पास होता था मोगली का पंजा, वो क्या करता था, ऐसे फेंकता था और वो घूम कर फिर से वापिस आ जाता था। अब उसमें भी यही फंडा है, उसकी कुछ शेप बेटा आगे से ऐसी बनी हुई है कि जब उसको फेंकते हैं तो उसको एक तो लिफ्ट मिलती है, फिर उसके बाद वो घूम के वापस आ जाता है। पर नॉलेज थ्योरम है जी यहां पर। तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक चलो ये हो गया। उसके अलावा एक एग्जाम्पल किसका दिया जा सकता है यार, ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया जा सकता है। कहते हैं कि ट्रेन अगर आपके सामने से बड़ी तेजी से गुजरे तो आपको अपनी ओर खींच सकती है, आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकते हो। कहते जब स्टेशन पे ट्रेन गुजरनी हो ना तो प्लेटफॉर्म के ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, जब ट्रेन निकल रही हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, एक अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सकती है, आप गिर सकते हो, मतलब ट्रेन में मुंह पड़ सकता है, अंदर ही गिर सकते हो, ले जाएगी साथ में। अब उसमें भी क्या है, बर्नौली थ्योरम। कैसे, मान लो प्लेटफॉर्म के पास आप खड़े हो, प्लेटफॉर्म जहां पे ट्रेन ने लगना होता है, ठीक है, वहां पे आप खड़े हो, सामने अभी ट्रैक खाली है,
नहीं है अभी ट्रेन वहां पर, अगर मान लो ट्रेन ने तेजी से गुजरना है, रुकना नहीं है, गुजरना है, अब कई स्टेशन होते छोटे स्टेशन, वहां पर ट्रेन रुकती नहीं है, अब राजधानी राजधानी है नहीं रुकती, दूसरी दूसरी ट्रेन रुकनी होगी, तो मान लो वहां से राजधानी गुजर रही है बड़ी स्पीड से गुजरेगी, रुकना नहीं है उसने। तो अगर आप प्लेटफॉर्म के पास खड़े हो थोड़े ज्यादा, तो आगे अभी ट्रैक खाली है, राजधानी आई नहीं है, राजधानी एक्सप्रेस तो अभी वो आई नहीं है, सामने ट्रैक खाली है, तो आपके सामने से भी एयर का फ्लो हो रहा है, पीछे से भी एयर का फ्लो हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा ना, तो प्रेशर उसका पी है, पीछे भी पी है, वेलोसिटी उसकी वी है, पीछे भी वी है, हाइट तो लगभग दोनों आगे पीछे क्या है सेम है, क्योंकि आप जहां खड़े हो आगे और पीछे सेम ही फ्लो हो रहा होगा ना। अब एकदम अगर ट्रेन आती है एकदम धर 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 गुजरती है, तो यह सामने की एयर है ना फॉरवर्ड वाली जहां से ट्रेन गुजर रही है, उसकी स्ट्रीम लाइन उसके साथ जाएंगी, उसकी स्पीड एकदम तेज हो जाएगी। अब आगे की एयर की स्पीड ज्यादा हो गई, हाइट में कोई फर्क नहीं है, हाइट के लेवल सेम है, तो वेलोसिटी बढ़ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गई, तो प्रेशर एनर्जी को यानी प्रेशर को कम होना पड़ेगा। अब सामने प्रेशर कम हो गया, पीछे तो पीछे वाली स्ट्रीमलाइन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वेलोसिटी लगभग उतनी की उतनी, प्रेशर उतना का उतना, पीछे प्रेशर उतना ही होगा, आगे प्रेशर कम हो गया, तो मतलब पीछे वाला प्रेशर आगे वाले के कंपैरिजन में बढ़ गया, तो जैसे ही ट्रेन गुजरेगी आगे वी बढ़ जाएगी एयर की, जिससे पी को कम होना पड़ेगा, प्रेशर आगे जैसे ही कम हुआ पीछे वाला प्रेशर आपको आगे की ओर धकेल सकता है। तो यहां पर भी क्या है, बर्नौलिस थ्योरम है, यहां पे भी बर्नौलिस थ्योरम लगती है। दो मोटर बोट्स जो है ना, मोटर बोट्स, अगर दो मोटर बोट इकट्ठे चल रही हैं इकट्ठे, तो वो एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी, मोटर बोट पानी में चल रही है इकट्ठे, अपने एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो, कारण कि जो वाटर है, ये मोटर बोट है, ये वाटर है, इधर भी वाटर है, उसकी जो स्ट्रीम लाइन है, जब ये चल रही है ना दोनों, इस तरफ की स्पीड, इस तरफ की स्पीड, दोनों के कारण अंदर वाले पोर्शन में स्ट्रीमलाइन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर से प्रेशर मिलेगा और वो एक दूसरे की ओर क्या हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। बहुत एग्जांपल है, बहुत से ऐसे एग्जांपल है। एक वो ना स्प्रे होता है, स्प्रे एटोमाइजर, स्प्रे ये बना देते हैं, मान लो ये एक स्प्रे है, ठीक है, पानी छिड़कने वाला नहीं होता, ये थोड़ा पुराने जमाने वाला बना रहे हैं, ये कंटेनर है साथ में, ठीक है, इसमें लिक्विड है, मान लो आपने वाटर कहीं पे क्या करना है, स्प्रिंकल करना है, तो यार इसको प्रेस करोगे ना, प्रेस करने से पानी बाहर निकलता है, या फिर यहां पर क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा दो, ये सेम सिचुएशन बना देते हैं, ये कंटेनर है, यहां पे क्या लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है, जैसे पिचकारी नहीं होती, ठीक है, अब अगर आप इस पिस्टन को पकड़ के एकदम दबा देते हो, या इसको दबा के एकदम दबा देते हो, तो होगा क्या, यहां से एयर बड़ी स्पीड से इधर से गुजरेगी, या कह लो इसके कारण यहां से बड़ी स्पीड से एयर इस जगह से गुजरेगी, ठीक है। अब इस जगह पर कुछ पर्टिकुलर हाइट है, कुछ पर्टिकुलर प्रेशर है, और कुछ पर्टिकुलर एयर की स्पीड है, इस जगह पे भी वही बात, एकदम अगर इसको प्रेस करके एयर की स्पीड मैंने बढ़ा दी, तो इस जगह पे एकदम स्पीड बढ़ जाएगी, हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रेशर को एकदम क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, सीधा फंडा है, एकदम स्पीड बढ़ गई, मैंने इसको प्रेस कर दिया, यहां से हवा निकलेगी फर्र करके,
या इसको प्रेस कर दिया, यहां से एकदम तेजी से हवा निकलेगी। तो यार इस जगह पर जब एयर गुजर रही होगी उसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में एकदम बढ़ जाएगी। जैसी वो बढ़ेगी, हाइट को मैंने बोला को फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा ना, स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। जैसी प्रेशर एनर्जी यानी प्रेशर यहां पे कम होगा, प्रेशर एनर्जी इक्वल टू प्रेशर ही होता है, यहां पे कम होगा तो नीचे प्रेशर उतना ही है, ऊपर एकदम प्रेशर कम हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होना होता है फिर फ्लूइड का, तो नीचे से एकदम ऊपर एयर का फ्लो होगा, वो एयर फिर साथ में लिक्विड को भी ले आएगी। दो तीन बार मारोगे तो ऊपर से लिक्विड आता रहेगा और वो जैसे ही लिक्विड यहां पहुंचेगा पीछे से फिर तूने प्रेस कर दिया, एयर कर दी और ये ड्रॉपलेट्स बनकर बाहर निकलेगा। इसको क्या कहते हैं, एटोमाइजर स्प्रे कहते हैं। अब देखो किताबी भाषा में इनके लिए यही वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्या कहते हैं इनको हम, एटोमाइजर स्प्रे, ठीक है जी। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सब क्या है, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस है। एक और करा देता हूं फिर उसके बाद मैथमेटिकल वाली एप्लीकेशंस पे जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी उसमें आएंगे। एक और बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन यूज होती है यार क्रिकेट में, मैग्नस इफेक्ट के नाम से उसको जानते हैं हम। अब अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा कि इसमें दो तरह की बॉलिंग होती है, एक पेस और एक स्पिन। और स्पिनर्स का काम क्या है, वो बॉल को ना घुमा के फेंकते हैं, बॉल को पकड़ के उन्होंने उनको घुमा के फेंकना है, घुमा के, ठीक है। अब जब वो घुमा के फेंकते हैं तो जमीन पे गिरती है, अब वो घूमती हुई बॉल गिरेगी टिपक आके, वो इधर या उधर किधर भी जा सकती है ना। क्या कहते हैं इसको, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो जो स्पिनर्स हैं उनमें भी अपना एक टैलेंट है कि भाई वो बॉल को घुमाकर ऐसे हाथ घुमा के उन्होंने ऐसे घुमा के फेंकना है, ये जमीन पे गिरनी है। और अब वो बॉलर को पता है मैंने कौन सी डाली है, ऑफ स्पिन डाली है कि लेग स्पिन डाली है कि दूसरा डाला है कि तीसरा डाला है। बैट्समैन चकमा खा जाता है, अगर वो हाथ पे ध्यान दें तो कई बार पता भी लग जाता है कि कौन सी बॉल आ रही है, तो छक्का भी जड़ देता है। तो ये तो हो गई स्पिन बॉलिंग। यार एक और सुना होगा, एक तो स्पिन होगी ना, वो टिप्पा खाने के बाद उसका रोल है, जो भी है घुमा के फेंकेंगे लेकिन उसका रोल जो है वो नीचे गिरने के, टिप्पा खाएगी फिर होगी वो अंदर की ओर आएगी या बाहर की ओर जाएगी। बैट्समैन सोच रहा सीधी आएगी, वो टिप्पा खा के एकदम कट लेती है, कट लगकर पीछे कैच हो सकता है, वो अंदर की ओर आ सकती है, विकेट उड़ सकती है। तो ये तो होगी स्पिन बॉलिंग। उसके अलावा एक आपने सुनी होगी यार स्विंग बॉलिंग सुनी होगी, है ना। अब ये स्पिन बॉलर्स का काम नहीं है स्विंग कराना, ये पेसर्स का काम है, ठीक है। पेसर्स जो हैं, यानी जो फास्ट बॉलिंग करते हैं वो स्विंग कराते हैं। अब स्विंग होती है भाई हवा में ही स्विंग, रिप्ले में दिखाते हैं, अरे हवा में स्विंग हो जाती है, हवा में स्विंग। ये पाकिस्तान वाले बॉलर्स हैं दो चार, पुराने हो गए अब तो ये लगा लो कि वर्ल्ड को स्विंग बॉलिंग जो है ना वो किन्होंने प्रोवाइड की है, पाकिस्तानी बॉलर्स ने। एक होता था वकार यूनुस, उसकी होती थी स्विंग बड़ी जबरदस्त तरीके से, ओके। बाकी भी अब कराते हैं, बुमराह बुमराह जितने हैं ना इंडिया वाले भी, ये भी अच्छी स्विंग कराते हैं। तो स्विंग बॉलिंग में क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का यूज है। ये पेसर्स का काम है, इन्होंने क्या करना है कि बॉल को करानी तो पेस है लेकिन अब छोड़ते वक्त ना घुमा देनी है, पेस ही करना है। स्पिनर भी घुमाता है लेकिन वो ऐसे ऐसे रख रुक के फिर वो धीरे से घुमाता है, वो टिप्पा खाने के बाद का रोल है सारा।
पेसर क्या करते हैं, बॉल को लेकर तेजी से आके वो हवा में घुमा देते हैं। अब जब बॉल घूमते हुए जाती है ना, रिप्ले में भाई देखा होगा, आईपीएल वाईपीएल देखते हो तो उसमें रिप्ले में दिखाते हैं, तो जब बॉल घूमते हुए जाएगी ना, मान ले बॉल ये रोटेशन लेते हुए जा रही है, ठीक है। अब जब ये घूमते हुए जाएगी तो होगा क्या, ये बॉल है, ठीक है। अब ये ऐसे रोटेट करते हुए मान ले जा रही है, अब ध्यान से सुनना, ये बॉल है, सामने इसने जाना है, स्ट्रीम लाइन्स को काटते हुए जा रही है, स्ट्रीम लाइन्स को काटते हुए जा रही है, कुछ स्ट्रीम लाइन्स इसके सामने वाली हैं, ये बॉल है इस तरफ वाली, और कुछ स्ट्रीम लाइन उसकी बैक साइड वाली है, ठीक है जी। ये स्ट्रीम लाइन इसकी बैक वाली है, ये स्ट्रीम लाइन इसकी सामने वाली है, इमेजिन करो बस स्थिति को, ये इसकी पीछे वाली स्ट्रीम लाइन हो गई। अब बॉल इनको काटते हुए निकल रही है, अब भाई बॉल अगर ऐसे घूम रही है ना, ऐसे, तो जब ये बॉल ऐसे घूम रही है, ऐसे इस तरफ रोटेशन जा रही है, ये रोटेशन जो इधर वाली स्ट्रीम लाइन है उनके लिए तो ऑपोजिट हो गई, लेकिन जब ये घूम के ऐसे जाएगी तो पिछली वाली स्ट्रीम लाइन की तरफ होगी। देख बॉल की जो रोटेशन है ये है ना, ये बॉल की जो रोटेशन है इन स्ट्रीम लाइन्स के तो ऑपोजिट हो गई और पीछे वाली स्ट्रीम लाइन के सेम सेंस में हो गई। इमेजिन कर लो, बॉल ऐसे घूमते हुए जा रही है, ये जो स्ट्रीम लाइन है इस तरफ थी, बॉल की रोटेशन इस तरफ है ऐसे, तो ये जो रोटेशन है, देखिए रोटेशन बना रखी मैंने, ये जो इस तरफ वाली स्ट्रीम लाइन है इसके तो होगी ऑपोजिट। तो बेटा जो इस तरफ वाली स्ट्रीम लाइन है वो इस तरफ आ रही थी, बॉल की रोटेशन इस तरफ थी, ऑपोजिट सेंस में होगी, तो बॉल की रोटेशन इन स्ट्रीम लाइन्स की स्पीड को घटाएगी, मगर पिछली साइड वाली स्ट्रीम लाइन्स और रोटेशन सेम सेंस में है, उधर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो बॉल जब ऐसे घूमते हुए जा रही है, घूमते हुए आगे जा रही है, तो इस तरफ वाली स्ट्रीम लाइन्स के ऑपोजिट होने के कारण इनकी स्पीड को घटा देगी और पीछे वाली स्ट्रीम लाइन्स की स्पीड को बढ़ा देगी। तो घूमते हुए जाने से होगा क्या, इस साइड पे स्ट्रीमलाइन की स्पीड बढ़ जाएगी और इस वाली साइड पे फ्रंट वाली जो शो कर रखी है स्ट्रीमलाइन की स्पीड घट जाएगी रोटेशन ऑपोजिट होने के कारण। उससे क्या होगा, एक तरफ स्पीड कम होगी, एक तरफ स्पीड ज्यादा होगी, हाइट में कोई फर्क नहीं है तो प्रेशर में फर्क पड़ जाएगा। तो भैया इस साइड पे स्पीड कम हो गई थी तो प्रेशर पड़ जाएगा, पिछली साइड पे स्पीड ज्यादा हो गई थी तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब घूमते घूमते चलते चलते इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, इधर प्रेशर कम हो गया, ये चलते चलते इधर को मुड़ लेगी, स्विंग कर जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, स्विंग कहते हैं। वो बैट्समैन बेचारा जो है, वो पेसर ने आके बॉल फेंक दी, अब उसने तो स्विंग करा के फेंक दी, इस हिसाब से उसको पता है मैंने कौन सी रोटेशन दे दी है। बैट्समैन सोच रहा है सीधी आएगी, वो अपना बल्ला उसके हिसाब से सेट कर लेता है कि भाई मारूंगा, उतनी देर में वो कट लेती है और सारी टाइमिंग बिगड़ जाती है। हो सकता है स्विंग के कारण बंदे ने सोचा हो कि मैं इसको भाई ऊपर की ओर उठाऊंगा, वो स्विंग करके कट गई, वो बैट की अगली एज पे लगेगी, वहां से क्या हो जाएगा, कैच वैच हो जाएगा। अब ये भी क्या है, एक टैलेंट है स्विंग कराना, ठीक है, इन स्विंग या आउट स्विंग। इन स्विंग है आते आते अंदर आ जाएगी, बैट्समैन सोच रहा है कि भाई आ रही है सीधा आ रही है, इधर को आ रही है, वो एकदम अंदर की ओर आ जाएगी। तो ये ऑफ स्विंग, इन स्विंग, स्विंग बॉलिंग, ये जो भी हुआ इसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट। तो ये भी भाई किसका, किसकी एप्लीकेशन में आ जाता है, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन में आ जाता है। बाकी अब बहुत है, कितना बंदा डिस्कस करेगा, ये किताबों में और भी दे रखी होती है, मैंने 3-4 डिस्कस कर दिया आपको। ओके।
टाइम ज़्यादा ही लग गया, आपने इतनी डिटेल भी नहीं, आपको नाम तो कम से कम याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे बर्नौली थ्योरम का यूज़ होता है, तो इसको ख़त्म करती हैं। अब मेन बात की ओर बढ़ते हैं, हमने आपको एक वेंट्यूरी मीटर कराना है और कुछ और रिजल्ट्स बताने हैं, तो एप्लीकेशन ही है बेटा, एप्लीकेशन ही है, तो एप्लीकेशन में एक लिख लो वेंट्यूरी मीटर। एक मिनट वेट करना, इसको मिटा दें, फिर हेडिंग डालते हैं जी, वेंट्यूरी मीटर। लिखो पहले, एप्लीकेशंस में ही है बेटा, वेंट्यूरी मीटर। इसमें लिखना, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब। क्या किसी भी ट्यूब में लिक्विड में लिक्विड के फ्लो को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको क्या कहते हैं, वेंट्यूरी मीटर। क्या लिखा आपने, अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए पाइप या इन ए ट्यूब। ओके, डिवाइस है एक तरह का। अब बेटा फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर करने का मीनिंग क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर करने का मीनिंग यह है कि कोई पाइप है उसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब जो भी यार लिक्विड इसमें से फ्लो हो रहा है उसकी दो चीजें मेजर कर सकते हो आप, एक तो उसकी स्पीड मेजर कर लो यार, स्पीड ऑफ फ्लो, या फिर इसका क्या मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग, दोनों से काम चल जाता है। यहां क्या मेजर कर लो, स्पीड ऑफ फ्लो, कि यार इस पर्टिकुलर जगह पर कितनी स्पीड से लिक्विड फ्लो हो रहा है, या फिर क्या आप मेजर करोगे, रेट ऑफ फ्लो, या स्पीड ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, और ये छोटा वी जो है इसका मतलब स्पीड ऑफ द फ्लूइड, मतलब पर सेकेंड कितना आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, ये डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है। ओके, तो क्या है जी वेंट्यूरी मीटर, ढंग से कर लेना, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन बढ़िया हो जाएगी, इसमें बर्नौली थ्योरम लगाने भी थोड़ी सी आ जाएगी। तो वेंट्यूरी मीटर, डिवाइस विच इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड। अब फ्लो ऑफ लिक्विड दो तरीके से, या तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय लिक्विड फाइंड कर लो स्पीड उसकी, या फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम कर लो। ओके, अब वेंट्यूरी मीटर में होता क्या है यार, ये कुछ इस तरह का डिवाइस होता है यार, बना लेना जी डायग्राम साथ में, इसके दो पोर्शन होंगे, बड़ा छोटा बन गया। हाँ जी बेटा बना रहे हो, बना लो बना लो। ओके जी, तो ये सिचुएशन है,
ओके ये पाइप्स ये बेटा बेसिकली तो ये बन गया भाई अपना वेंट्यूरी मीटर। ठीक है, जैसे मान लो इसका लिक्विड का फ्लो किसी पाइप में मेजर करना है तो ये चीज भाई यहां से यहां पे फिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज यहां पे क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी और इस पूरे के थ्रू पाइप है भाई, ओपन है ये पाइप है, यहां से पानी निकलेगा, यहां से निकलेगा, आगे बढ़ेगा। ये मैंने यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शो कर रखा है कि यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये ज्यादा है, बस खुले हुए हैं मुंह सारे, यहां से पानी निकलेगा उधर को चलेगा। तो यहां से पानी एंटर हुआ, पानी या कोई भी फ्लूइड है वो यहां से भाई एंटर होगा और फ्लो कर जाएगा। कर गया, यहां से निकला और ऐसे करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें से फ्लो निकल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर भी चल जाएगा। ओके, ठीक है जी, ये सिचुएशन हो गई। अब ये मैंने यहां पे फिट कर दिया, इसमें से फ्लो हो रहा है लिक्विड का। अब इतना आप देख रहे हो इस जगह पर और इस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेता हूं, इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 मान लेता हूं। यह दिख रहा है कि यार A1 इज ग्रेटर देन A2। अब अपने पास एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भाई, होती है कि नहीं होती है, A1V1 इक्वल टू A2V2। अब इसके हिसाब से पता है जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होगी, तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यानी जब यहां से निकलेगी तो स्पीड ज्यादा होगी, तो A1 बड़ा है तो V2 बड़ी, जहां एरिया कम है सेकेंड वाले का A2 कम है ना, वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जब यहां से लिक्विड गुजर रहा है इस जगह से, अगर ये V1 से गुजर रहा है तो इस जगह से गुजरेगा तो वो V2 से गुजरेगा और V2 V1 से ज्यादा होगी क्योंकि उसका एरिया A1 से कम है। तो ये स्थिति है आपके सामने। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो आपको पता है जब लिक्विड फ्लो हो रहा है आइडियल है तो तीनों एनर्जीज का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर जगह की, ये मान ले या ये मान ले बेटा, इस जगह पे हाइट जो है और उस जगह की हाइट लगभग क्या है, सेम है, क्योंकि पूरी हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसी पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, तो बेटा ये पाइप कैसी हमने अज्यूम की है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हाइट हर जगह हम लगभग क्या लेंगे, सेम लेंगे, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, यहां से हाइट में फर्क पड़ जाए तो बेटा हाइट हर जगह मैंने क्या ली, सेम। अब हाइट हर जगह सेम ली उससे क्या होगा, वो रो जी एच वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब मैं इस पर्टिकुलर जगह पर कह रहा हूं तीनों एनर्जीज का सम इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होना चाहिए, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इस पर्टिकुलर जगह पे। और इस पर्टिकुलर जगह पर भी तीनों एनर्जीज हैं अपने पास, तो यहां पे तीनों एनर्जीज का सम क्या होगा, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब देख लिक्विड तो है सेम, तो डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम। ऊपर से मैंने बोला हाइट क्या है, सेम, तो ये टर्म तो सेम रहेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, ये टर्म रहेगी सेम। अगली बात, क्योंकि
ये तो क्लियर है कि ये V1 है यहां पे स्पीड, और यहां पर स्पीड V2 है और V1 कम है, तो ये टर्म में फर्क पड़ गया, इस टर्म में फर्क पड़ेगा, दोनों में ये सेम है, इसमें फर्क पड़ेगा, तो प्रेशर में फर्क जरूरी हो जाएगा। ये V1 कम होने के कारण ये वाली एनर्जी कम है, यानी इधर जाते ही एनर्जी बढ़ जाती है, तो भैया प्रेशर कम होगा ना, तो क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इस टर्म में चेंज है तो इस टर्म में चेंज हो गई होगा, यहां प्रेशर P1 मानना पड़ेगा, यहां प्रेशर P2 मानना पड़ेगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई की है। टारगेट क्या है, या तो स्पीड ऑफ फ्लो निकाल लो, ये जो V1 है ना, V1 बेसिकली V1 क्या है, स्पीड ऑफ फ्लो है, V1 है स्पीड ऑफ फ्लो जो मुझे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि देख इसको यहां फिट किया ना, इसकी स्पीड मेजर करनी थी, तो मुझे V1 कैलकुलेट करना है। V1 क्या है आपकी, स्पीड ऑफ फ्लो है, या फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वो कैलकुलेट कर लूंगा, जो मर्जी कर लो, सिचुएशन तुम्हारे सामने है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों के बीच में इतना मैंने देख लिया, प्रेशर का फर्क होगा, प्रेशर इस जगह P1 है, इस जगह P2 होगा। अब क्योंकि यहां स्पीड कम है, यहां स्पीड ज्यादा है, तो यहां स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये भी अंडरस्टूड बात है कि फिगर के हिसाब से P1 ग्रेटर देन P2 आएगा, ठीक है, इस जगह प्रेशर ज्यादा आना है, ठीक है, इस जगह प्रेशर ज्यादा आएगा तो ज्यादा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, पानी का प्रेशर यहां कम है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा हाइट लगेगी, यहां पर प्रेशर कम है तो कम चढ़ेगा, ठीक है, दोनों की हाइट में फर्क होगा, जो कि बड़ी इजीली मेजर कर लिया जाएगा, ठीक है जी, जो कि बहुत आसानी से मेजर कर लिया जाएगा, जिसको मैंने किससे डिनोट कर लिया, H1 से डिनोट कर लिया, ये जो टोटल है H से डिनोट कर लिया, इसको H1 मान लेता हूं, इसकी जो हाइट है इसको H2 मान लेता हूं, ठीक है, ये इग्नोर करने वाली है, नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो ज्यादा फर्क नहीं होता, इग्नोर करने वाली होती है क्योंकि काफी लंबी ऊपर चले जाएगा, तो ये H1 मान लेते हैं, H2 मान लेंगे, ये जो H है दोनों के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया H1 माइनस H2, तो H से प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है, P1 की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, H1 रो जी, P2 की जगह पर H2 रो जी, यहां से P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2 रो इंटू जी, यानी कि जरूरत पड़ने पर P1 माइनस P2 आ जाएगा H रो जी, और ये जो H है बेटा ये मेजर हो जाएगी, जैसे वो थर्मामीटर के ऊपर या किसी भी मेजरिंग डिवाइस के ऊपर रीडिंग नहीं लगी होती, इन दोनों के ऊपर, ये दोनों सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इनके ऊपर रीडिंग लगी होगी और वहां से वो प्रॉपरली मेजर हो जाएगा, मतलब ये दिक्कत वाली बात, इंस्ट्रूमेंट है ना भाई, तो इंस्ट्रूमेंट में से रीडिंग भी तो लेनी पड़ेगी ना, तो ये एच की तो रीडिंग आ जाएगी, ठीक है जी, तो जो भी है तुम्हारे सामने है, वेंट्यूरीमीटर थोड़ा सा एक ही जगह पर आ गई सारी बातें, पर कोई बात नहीं, जगह बना के लिख देते हैं, तो वेंट्यूरीमीटर वो डिवाइस है भैया जो किसी भी जगह से लिक्विड का फ्लो मेजर करने के काम में आता है, लिक्विड का फ्लो मेजर करने में, या तो हम उसकी स्पीड मेजर कर लेंगे या फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड मेजर कर लेंगे, हमने इस जगह और उस जगह के बीच में क्या लगा दी, बर्नौलीज थ्योरम लगा दी, बर्नौलीज थ्योरम क्या कह रही है कि इस जगह पर टोटल एनर्जी ये है, इस जगह पर टोटल एनर्जी ये हो गई, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये रो जी एच को रो जी एच काट देगा, इसको इधर ले आ, क्या बन जाएगा ये, इट विल बी पी वन माइनस पी टू इक्वल टू,
ये पी वन माइनस पी टू हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा, रो आ जाएगा, ब्रैकेट में वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर आएगा। लेकिन पी वन माइनस पी टू हमने एच रो जी लगा रखा है, ये आ जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। ध्यान देना। अब एक और पॉइंट है, कई बार वेंट्यूरी मीटर्स में ये जो पोर्शन है ना, ये इसमें एक दूसरा लिक्विड डाल रखा होगा हाइट मेजर करने के लिए, ज्यादा डेंस वाला, ताकि बहुत ज्यादा ऊपर ना चढ़े, वाटर होगा तो ज्यादा ऊपर चढ़ जाता। अगर ऐसा है तो इसकी डेंसिटी कुछ और लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ, इसका नाम रो डैश रख देंगे, और ये जो अंदर वाला है ये डेंसिटी वाली, बात को समझो। अगर तो सेम ही है, जो लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है वही इसमें है, तो ये दोनों डेंसिटी क्या है, सेम है, कट जाएंगी, हम दोनों केस करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, स्पेशल सिचुएशन लेते हैं, वो कहते हैं यार ये जो मेजरिंग वाला पोर्शन है ना, इसमें दूसरा लिक्विड डालेंगे हम तो वही, ओके, ताकि ज्यादा ऊपर ना जाए। तो दूसरा लिक्विड डालेगा तो इस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, डैश लगाना पड़ेगा, फिर कटेंगे नहीं ये, और यहां पे ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है, समझो बात को, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो ये रो डैश रहेगा, कटना नहीं है, ओके। तो मान के चलते हैं अलग ही डाल रखा है उसने, तो यहां से क्या आ जाएगा, एच रो डैश जी इक्वल टू हाफ है, रो है, यहां पे वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, बेटा ये स्पीड्स हैं, ठीक है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा टू जी एच, ठीक है, अंडर रूट टू, सॉरी टू जी एच, तो ये टू जी एच बन गया, टू ऊपर भेज दिया भाई, टू जी एच, यहां क्या आएगा, रो डैश के नीचे रो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अपने पास एक इक्वेशन पड़ी हुई है ए वन वी वन, ए वन वी वन माइनस इक्वल टू ए टू वी टू। याद करो जब मैंने ये इक्वेशन बनवाई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो किस फंडे पे बनाई थी, कि जितनी वॉल्यूम एंटर करेगी उतनी वॉल्यूम दूसरे एंड से बाहर भी निकलेगी। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये तो एरिया हो गया, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और पर यूनिट टाइम इतना अगर उसने डिस्टेंस कवर किया तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितनी स्पीड है, अगर स्पीड 5 है मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में कितना करेगा, 5 मीटर। अगर v मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में कितना करेगा v। तो भैया ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो ये क्या हुई, वॉल्यूम कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है और ये हाइट जो है ये v1 है। तो बेसिकली बेटा ए वन वी वन क्या है, या ए टू वी टू क्या है, इट इज वॉल्यूम फ्लोइंग आउट और इन पर सेकेंड, जो सेम रहती है, जितनी इन होगी उतनी आउट भी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बोला था, समझने वाली बात है, ये इतना इजी वाला काम नहीं है। तो ए वन वी वन ए टू वी टू दोनों किसके चीज इक्वल है, वी के। वी यहां पर क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, वी वन की जगह, वी वन की जगह वी बाय ए वन,
और v2 की जगह v बाय ए टू लिख ही सकते हैं। ठीक है जी, मैंने बोला था दो तरीके से वेंट्यूरी मीटर को डिस्कस करते हैं, या तो उससे क्या निकालेंगे हम कैपिटल वी रेट ऑफ फ्लो, या फिर वेंट्यूरी मीटर की हेल्प से क्या मेजर करते हैं वी, और वी में भी क्या मेजर करना है बेसिकली वी वन मेजर करना है बेटा, वी में भी क्या मेजर करना है हमने वी वन मेजर करना है जी। तो अभी कैपिटल वी निकलवाने जा रहा हूं, क्या निकलवाने जा रहे हैं हम कैपिटल वी। ध्यान से सुनना, इस एक्सप्रेशन में अब मैं क्या लिखूंगा टू जी एच, ठीक है रो डैश, वो जो वेंट्यूरी मीटर का ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें दूसरा लिक्विड डाला हुआ है उसकी डेंसिटी है, लास्ट में स्पेशल केस में कटवा दूंगा कि अगर दोनों सेम ही रखे होते तो, ठीक है मैंने अभी बताया था। यहां पे v2 की जगह क्या लिखूंगा कैपिटल v बाय a2 माइनस कैपिटल v बाय a1, ठीक है जी। ये चीज क्या बन गई टू जी एच रो डैश बाय रो इक्वल टू, है ना इक्वल टू है ना, ये टू ऊपर चले गया रो था, यहां पे इक्वल टू भी था, तो ये क्या है इक्वल टू, ये कॉमन आ जाएगा वी स्क्वायर ब्रैकेट में वन बाय ए टू स्क्वायर वन बाय ए वन स्क्वायर, सॉल्व करते जाओ टू जी एच रो डैश के नीचे रो इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए वन स्क्वायर, एलसीएम आ गया ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ठीक है जी। ये बन गया टू जी एच रो डैश बाय रो, साथ में क्या आ गया ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया ये वी के इक्वल आ गया बेटा वी स्क्वायर के। अब उधर से हटा देंगे तो v बचेगा, सारे के ऊपर रूट आएगा। अब a1 a2 खैर बाहर आ सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, a1 a2 बाहर आ गया, बाकी सब कुछ 2 g h के नीचे रो डैश यही आएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2 g h आएगा रो डैश बाय रो, रो डैश बाय रो, ठीक है 2gh रो डैश बाय रो, साथ में क्या आ गया a1 a2 तो बाहर निकाल दिया था, नीचे क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। ये किसकी एक्सप्रेशन आ गई यार वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम की एक्सप्रेशन आ गई, चेक कर लेना गलत ना कर दिया हो। 2gh है, 2gh है रो डैश बाय रो है, a1 स्क्वायर ए टू स्क्वायर बाहर आ चुका है, यही है ठीक है जी। तो ये आ गई वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इसमें स्पेशल केस लगा दो, अगर लिक्विड सेम ही होते जो फ्लो हो रहा है वही ऊपर की ओर चढ़ा होता तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, कट जाएगा बचेगा रूट टू जी एच बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ज्यादा यही चलता है सेम ही ले लेते होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, वैसे अलग 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 हो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो एक तो ये निकालना था, या फिर यहां तक तो ठीक है, अगर मुझे स्पीड टारगेट पे लेनी होती v1, मैंने बोला हुआ है आपको स्पीड ऑफ फ्लो का मतलब स्पीड निकालनी होती तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से डील कर देता। स्पीड कैलकुलेट करनी होती तो ये रिजल्ट तो देखो आया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, ओके तो ये रिजल्ट क्या दे रहा था जी हमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। मजे आ रहे हैं भाई, मामला उलझ रहा है, याद करने पड़ेंगे, ऐसी नहीं कोई कंपटीशन क्लियर हो जाना। एक तो ये वेंट्यूरी मीटर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं अगर मैंने टारगेट पे स्पीड लेनी होती, अब देख एच तो मैं मेजर कर लूंगा, रो डैश रो चल गिवन में आ जाएंगे, अब वी टू का पंगा ना
वी टू कहां से निकालूंगा, दो दो अननोन है, तो वी टू मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, तो यूज में वही करूंगा। देखो अगर मुझे कैपिटल वी निकालना था तो मैंने जो स्टेप किया उधर को चल पड़ूंगा, अगर मुझे वी वन निकालना हो यानी स्पीड ऑफ फ्लो निकालनी हो, वो रेट ऑफ फ्लो था, तो मैं फिर से वही यूज करूंगा, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, वी टू नहीं है ना अपने पास, तो वी टू खत्म कर देंगे, वी टू की जगह क्या आ जाएगा, ए वन बाय ए टू इंटू वी वन। अब वी टू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू जी एच रो डैश बाय रो इक्वल टू वी टू की जगह ए वन बाय ए टू वी वन का स्क्वायर 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 माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह को चल पड़ते हैं, क्या दिक्कत है, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, यहां से वी वन स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो बनेगा टू जी एच रो डैश बाय रो, यहां पे क्या बना ए वन स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस वन इंटू इक्वल टू भूल जाते हैं भाई हम वी वन का स्क्वायर। ठीक है जी, वहां पे कैपिटल वी आ गया था, यहां पर कैपिटल वी नहीं वी वन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से बेटा देख क्या बन रहा है, टू जी एच रो डैश के नीचे रो इक्वल टू, लगभग वैसे रिजल्ट बन रहा है यार ये तो। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये ए वन स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस वन है, वहां पे थोड़ा सा फर्क आया था, ठीक है वहां पे थोड़ा सा फर्क आया था, तो नीचे क्या आ जाएगा ए टू स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर साथ में वी वन का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले यार, वी वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, टू जी एच रो डैश बाय रो है, ए टू स्क्वायर है नीचे, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, देख घूमेगा ना, ए टू स्क्वायर ऊपर आएगा, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर नीचे आएगा, इसको तू हटा देगा तो यहां रूट आ जाएगा, ये रिजल्ट आया। अब चेक कर लेना, को गलत ना कर दिया हो मैंने, स्टेप कई बार गड़बड़ गड़बड़ भी हो जाते हैं, गड़बड़ा भी जाते हैं। ये है जी दोनों टारगेट, एक तो हमने रेट ऑफ फ्लो निकाल लिया, एक हमने डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय द लिक्विड भी निकाल दिया। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मान ले तो थोड़ा सा रिजल्ट क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा, स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा, रूट टू जी एच ए टू स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ए टू बाहर भी आ सकता है, और इसमें ये कट जाएगा जो भी बचता है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट वेंट्यूरी मीटर, अब वेंट्यूरी मीटर के ये रिजल्ट है या ये रिजल्ट है, बाकी बर्नौली थ्योरम कैसे लगाई थी वो पता लगा तुम्हें, अब इसके बाद भी कुछ चीजें हैं लेकिन यार उनके फिर मैं रिजल्ट नहीं डिराइव कराऊंगा, उनके सिर्फ फार्मूले दे दूंगा, क्योंकि फार्मूलाज के बिना तो अपने न्यूमेरिकल्स फिर चलने नहीं है। ठीक है, इसके वैसे ही आपको बर्नौली थ्योरम लगानी सिखानी थी, बीच की बातें बतानी थी, उसके लिए फिर मैंने पूरा ड्राइव सही कर दिया कि लगे तो सही कुछ हमने किया, बाकी के रिजल्ट ही बताऊंगा बेटा। ओके, इन एक्सप्रेशन में ए वन ए टू गिवन क्वांटिटीज में आ जाएगा आपका, ए वन ए टू गिवन क्वांटिटीज में एच आप मेजर कर लोगे, वी निकाल लोगे। ठीक है, ए वन ए टू गिवन क्वांटिटीज में एच आप मेजर कर लोगे निकाल लोगे, अगर डेंसिटी अलग अलग हो तो दोनों की डेंसिटी चाहिए होंगी, वो भी गिवन क्वांटिटीज में आपके आएगा, तो इसको नोट करो। अभी एक बात और बतानी है आप, अब यार एक चीज हमने और यहां पे कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकल इस पर खूब आएंगे, टाइम थोड़ा सा कम है, मैंने डायग्राम वाइग्राम पहले ही बना दिया। ठीक है, अब सिचुएशन, इसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलेंगे, बताता हूं क्या होती है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जिस वेलोसिटी से पानी निकलता ना उसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। उससे पहले है क्या चीज सुनो, ये मान लो कोई भी क्या है कंटेनर, ऊपर से ओपन है, ठीक है ऊपर से कंटेनर क्या है ओपन है, और इसमें नीचे एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है इसको हम ऑरिफिस भी कहते हैं, जो होल है ना छोटा सा इसको क्या कहते हैं ऑरिफिस। अब कभी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे
वहां पे वर्ड ऑरिफिस यूज हो रहा होगा, तो ध्यान रखना इसको ऑरिफिस कहते हैं। तो सिचुएशन क्या है, ये कंटेनर है, कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, कहां तक भरा हुआ है, ये एच डेप्थ तक भरा हुआ है। मान ले कितनी डेप्थ तक भरा हुआ है, एच डेप्थ टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब अभी मैंने होल जब किया ही है, टी इक्वल टू जीरो पे ये एच डेप्थ पे भरा हुआ है, होल कर दिया तो पानी निकलने लग जाएगा, डेप्थ कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी रो है, ऊपर से खुला हुआ है, ये जो ऑरिफिस है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, ठीक है, उसको मैं ए मान लूंगा, और ये जो कंटेनर है इसका भी कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उसको ए नॉट मान लूंगा। ठीक है, ऑरिफिस का एरिया क्या मान लूंगा मैं, ए कुछ भी है, ठीक है, ए मान लिया मैंने, बड़ा छोटा सा होल होगा। अब इसमें से लिक्विड निकल रहा है, सिचुएशन क्या है, कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो, ये एच डेप्थ तक भरा हुआ था, इस पे मैंने एक होल ले लिया, कहां पर, टॉप से एच डेप्थ पर, ये एच क्या है, डेप्थ ऑफ द होल फ्रॉम द सरफेस, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है ये जो बची हुई डेप्थ है ये कितनी बन जाएगी, ये जो है अगर बेस से देखेगा होल की हाइट तो वो क्या है, एच माइनस एच है, टॉप से देखेगा तो एच है, मैंने टॉप से देखनी है भाई, ओके। तो सिचुएशन क्लियर है। अब यहां पे कई चीजें कैलकुलेट करनी होंगी हमने, जैसे कि कितनी स्पीड से निकलेगा पानी या लिक्विड, नीचे गिरने में कितना टाइम लेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे करके चार पांच पॉइंट्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। एक बार जरा यहां पर आपको बर्नौली थ्योरम कैसे लगेगी वो सिखा दूं, ध्यान से सुनना। ये होल है, ये उसका अंदर वाली पॉइंट है ये, और ये इसका बाहर वाला पॉइंट है, ये होल है, ठीक है, ये इनसाइड वाली सिचुएशन है और उधर आउटसाइड वाली, ठीक है। अभी मान लो फ्लो हुआ ही है, आउटसाइड में उसके पास स्पीड है, इनसाइड स्पीड नहीं है, क्योंकि पानी इधर को ही निकल रहा है, नीचे को बहुत कम स्पीड से जा रहा है, नीचे की तरफ बहुत कम स्पीड से जा रहा है, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत छोटा है, बाहर वाली स्पीड अंदर वाली स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो अंदर स्पीड नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनना, इस जगह पर प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस एच रो जी लगेगा, ये बाहर आ गया, बाहर पानी के अंदर नहीं है, बाहर है, तो बाहर प्रेशर कितना है, पी नॉट है बस, समझो बात को। तो मैं बर्नौली थ्योरम लगा रहा हूं, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, तीनों एनर्जी का सम, तो ये क्या होगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के इक्वल ही होती है, तो इस जगह प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस एच रो जी, यहां कितना है, पी नॉट प्लस, अंदर स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाहर हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस जगह पर और इस जगह पे हाइट का लेवल सेम है, तो वो रो जी एच वाली टर्म तो क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है। तो सिंपल सी कहानी है, यहां पे बर्नौली थ्योरम लगानी है, सिंपल सी कहानी है, यहां बर्नौली थ्योरम लगानी है, इस जगह पे ये तीनों एनर्जीज का सम हो गया, बाहर प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, ये वैसे ही कट गए, बचा क्या यार, पी नॉट प्लस एच रो जी इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये ले पी नॉट भी कट ही गया, बचा क्या यार, रो से रो भी कट गया, 2hg इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि v कितना आ गया, रूट 2g
एच। मेरे भाई ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, याद रखना है जी, इट इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। 5-7 पॉइंट है अपने पास डिस्कस करने के लिए। पहला हो गया इट इज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जिस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एच पे। और ये एच नीचे से नहीं ऊपर से है, सरफेस से कितना नीचे है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा इस होल की सरफेस से हाइट कम होती जाएगी और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी कम होती जाएगी। जितना ये नीचे होगा उतनी ही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ज्यादा होगी। होल यहां पर होगा तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कम होगी, नीचे होगा और कम होगी। हां ठीक है, यहां होगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कम होगी, जितना नीचे जाता जाएगा बढ़ती जाएगी और कम नहीं होगी, नीचे जाता जाएगा तो बढ़ती जाएगी। ओके बस इतना ध्यान रखना, ये जो रूट टू जी एच है, एच लेनी कहां से है? नीचे से नहीं, सरफेस से लेनी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच है। इट इज नॉट हाइट, इट इज डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। ओके एक बात, अगली बात टाइम निकाल लेते हैं। मैंने बोला 3-4 चीजें निकालेंगे, तो पहली तो निकल गई वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गई। दूसरा फिर ठीक है, हम मान के चलेंगे नीचे की ओर बड़ी स्लोली फ्लो हो रहा है, तो इसको नीचे गिरने का टाइम कितना लगेगा? नीचे गिरने में टाइम, वो तो सिंपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लग जाएगा, स्पीड वी से जा रहा है। ओके और ये वाली हाइट पता है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर ये वाली स्पीड पता होती है तुम्हें और ये वाली हाइट पता होती है, ये हाइट कितनी है? एच माइनस एच है ना, टोटल हाइट में से ये निकाल दे, तो टाइम गिरने का कितना होगा? वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था मेरे भाई? रूट टू एच बाय जी, ये टाइम हो जाएगा। अब इसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कितनी तेजी से नहीं ये नीचे आ रहा कि इसके नीचे आने से स्पीड में ही फर्क आना शुरू हो जाए, क्योंकि एच का फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा ना, उससे स्पीड में फर्क पड़ जाएगा। वो एजम्पशन है, इतना छोटा होल है कि ये तो बहुत शाम हो जाएगी इसको नीचे आते आते। ओके जी, तो कभी टाइम का फार्मूला आ गया तो टाइम ऐसे निकलेगा जी। फिर कई बार कह देगा रेंज निकालनी है मैंने। रेंज के लिए क्या करोगे? आपको पता है रेंज का फार्मूला क्या होता है? यू अंडर रूट टू एच बाय जी। अब यू की जगह तो अपने पास फिर वी है ना, तो यहां पे आएगा वी अंडर रूट टू एच बाय जी। अब यहां से अगर मुझे रेंज निकालनी है, वी की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? रूट टू जी एच अंडर रूट टू इंटू एच माइनस एच बाय जी। भाई ये जी से जी कट जाएगा, ठीक है, टू टू बाहर आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टू बाहर आ गया, अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच। हर एक चीज का मीनिंग जरूर क्लियर होना चाहिए कि एच क्या है, कैपिटल एच क्या है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? रेंज का फॉर्मूला आ गया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेंज बेटा, ठीक है। अब रेंज को आर से डिनोट कर दो तो ये क्या होगी आपकी? रेंज। ओके और चीज यहां पर नोट करने वाली बात और है एक, समझ लेना भाई, इस बार मैं सिर्फ किस पे फोकस कर रहा हूं? रिजल्ट्स पे। रिजल्ट आपको सारे लिखवा दूंगा, वेंट्यूरी मीटर में फिर सारा ड्राइव करके बता दिया था, इसके छोटे छोटे से रिजल्ट हैं, याद रह जाएंगे बेटा। तो तीन चीजें तो खैर निकाल ही दी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल ली, रेंज निकाल ली और टाइम भी निकाल लिया कि भाई नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब यहां पर एक और पॉइंट है, कई बार आ जाता है कि जो रेंज है ना, रेंज यानी ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम कब होगा? ठीक है,
अब इसमें बेटा अब देखो वेरिएबल क्या है, एक तो आर है, एक वेरिएबल क्या है स्मॉल एच वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको लिखूं आर इक्वल टू टू है रूट एच इंटू एच माइनस एच है। तो आपने एक मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी हमें मैक्सिमम की बात निकालनी होती है तो हम डिराइव कर देते हैं। अब यहां पे डेरिवेशन किस क्यों नहीं है, आर की, वेरिएबल कौन है एच है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एच डिराइव करके किसके इक्वल पुट कर देंगे जीरो के। अगर मैं कर नहीं रहा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं बेटा, अगर मैं पुट कर दूं तो कर करा के सॉल्व कर कर रिजल्ट ये आएगा कि एच इक्वल टू एच बाय टू आ जाएगा। बस मैं तुम्हें डायरेक्टली लिखवा रहा हूं। चौथा पॉइंट है मेरा ये कि वेलोसिटी इतनी से निकलेगा, टाइम इतना लगेगा, रेंज यानी मैक्सिमम आगे इतना घूरेगा, और रेंज मैक्सिमम कब होगी जब ये एच एच बाय टू हो चुकी होगी, क्योंकि ये कम होती रहेगी ना धीरे धीरे। अगर ये होल बिल्कुल मिडल में डाल रखा है तुमने तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो चौथे पॉइंट में मैंने लिखवा दिया कि रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एच इज इक्वल टू एच बाय टू। इससे बेटा जो मैक्सिमम रेंज आएगी, रेंज का फॉर्मूला यही है ना अपने पास, तो रेंज इक्वल टू क्या है टू है अंडर रूट एच की वैल्यू, जब एच बाय टू होगी तो ये एच है माइनस एच की वैल्यू जब एच बाय टू होगी तो ये टू बनेगा, ये रूट एच बाय टू एच माइनस एच बाय टू एच बाय एच, बाहर आके एच हो जाएगा और टू टू का स्क्वायर बाहर आके टू हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, या रेंज किसके इक्वल आ जाएगी एच के इक्वल ही आ जाएगी। अब देखो दो बातें याद रखना, अगर ये बाहर आ रहा है तो मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब स्मॉल एच यानी इसकी जो ऊपर से डेप्थ है किसके इक्वल होगी कैपिटल एच के इक्वल होगी, सॉरी एच बाय टू के इक्वल होगी। कब होगी, जब डेप्थ एच बाय टू के, और कितनी होगी एच के इक्वली आ जाएगी, जितनी डेप्थ है उतनी दूरी जाकर गिरेगा मिडल में से। एक ये रिजल्ट है, ठीक है जी। तो पहला रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, दूसरा टाइम कितना लगेगा, तीसरा रेंज, चौथा रेंज मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी। एक लास्ट बात और कर देते हैं यार, ध्यान से सुनना, लास्ट बात है, बस दो ही मिनट लगेंगे बेटा, डिराइव नहीं कराएंगे, लंबी डेरिवेशन है उसकी लेकिन डिराइव नहीं कराएंगे, सिर्फ एक छोटा सा रिजल्ट है वो बताना है यार। अब उस पर भी बेस कई बार क्वेश्चन वोशन आते रहते हैं, ठीक है। फिगर चलो यही इसी से काम चला लेंगे। अब मैंने बोला इसका एरिया, ऑरिफिस का एरिया कितना लिया था हमने ए, इसको ए नॉट मान लो, इसको ए मान लो, इसके एरिया को क्या मान लो ए नॉट मान लो, ठीक है। ए क्या है, ये कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, और ए नॉट क्या हुआ, इट इज एरिया ऑफ द ऑरिफिस, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया ऑफ द ऑरिफिस हो गया, ओके जी। अब पॉइंट ये है कि जी ये कंटेनर था, भरा हुआ था कितनी डेप्थ तक, एच डेप्थ तक भरा हुआ था मान लो, ठीक है। इसमें ऐसी कोई ऑरिफिस था यहां पर, अब इसको पानी को क्या करना है, हमने खाली कर देना, बिल्कुल बॉटम में था ऑरिफिस जो है ना, वो बिल्कुल कहां पे ले रहे हैं हम, बॉटम पे ले रहे हैं यहां पर, ओके जी।
अब इसको हमने खाली करना है, तो खाली होता जा रहा है। पहले डेप्थ कितनी थी, सॉरी टोटल कितना भरा होता, एच। फाइनली मान लो कि ये इतना रह गया, मतलब अब इतनी हाइट तक ही पानी रह गया। समझो ये जो मैं अभी एक्सप्रेशन दे रहा हूं, इसमें एच और एच डैश क्या चीज है, एच क्या है, वो बातें खत्म हो गई। चार पांच पॉइंट जो थे वो खत्म हो गए। लास्ट पॉइंट है ये कंटेनर है वही वाला, पहले कितना भरा हुआ था, एच। ऑरिफिस बिल्कुल क्या ले लिया मैंने, बॉटम पे ले लिया, और धीरे धीरे पानी आ रहा है। ऑरिफिस का एरिया कितना, ए नॉट है, ठीक है। इसका एरिया कितना, ए है। तो पूरी लंबी डेरिवेशन है इसकी, जैसे वेंट्रियोमीटर की डेरिवेशन नहीं कर रहे थे ना, उसकी डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, एक्सप्रेशन दे रहा हूं, टाइम टेकन टू मेक हाइट एच टू एच डैश, पहले एच था, एच से एच डैश, ये एच डैश है, कितनी देर में होगी, इसकी डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा हूं यार, इट विल बी ए बाय ए नॉट, लंबी डेरिवेशन है वो डेरिवेशन नहीं करा रहा, डायरेक्ट ही दे रहा हूं, इट विल बी ए बाय ए नॉट टू बाय जी रूट एच माइनस रूट एच डैश, याद रखना भाई, ए नॉट बाय ए टू बाय जी रूट एच माइनस रूट एच डैश, ठीक है जी। अगर मुझे खाली कर देने तो फाइनल डेप्थ क्या कर देनी है, जीरो। उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ए बाय ए नॉट टू बाय जी, क्या बचेगा, बस रूट एच बचेगा, ठीक है जी। अब यार काम लंबा ही खींच गया, मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे शायद, लेकिन भाई ये लेक्चर हो गया लंबा, न्यूमेरिकल्स अब बाद में देखेंगे, और वीडियो बनाना होगा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है आप लोगों को ऑफलाइन ही करवा देंगे। तो यार अगर ये सब कुछ कर लिया, सारे फार्मूले स्टार्टिंग से लेकर अब तक के जितने भी एक्सप्रेशन है ना यार, उनकी लिस्ट बना लो। मैंने पहले बोला था फ्लूइड्स इन मोशन डिफिकल्ट वाला काम है, तो जितनी भी एक्सप्रेशन है ना, राइट फ्रॉम पॉइसली इक्वेशन, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, सबकी एक लिस्ट बना लो, और उसके बाद जो आपके साथ असाइनमेंट दे रखी है उसको ट्राई कर लो। क्वेश्चन होंगे, डेफिनेटली होंगे, जो नहीं होंगे वो तो फिर हम हैं ये ना करा देंगे। तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसकी चीजों को भी ध्यान से रखना, पूरे फार्मूलाज की लिस्ट बनाओ और न्यूमेरिकल वगैरह ट्राई करो। बाकी मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।